नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, BHU PG एडमिशन को लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है आप सभी लोगों के लिए। तो खबर जानने से पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको BHU DU JNU BBAU HCU पौंडीचेरी और अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पल पल की छोटी बड़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि सीट एलोकेशन स्टार्ट पोर्टल न्यू अपडेट रिजल्ट कब तक आएगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके पोर्टल पर कि आपको अपना पोर्टल जो है कैसे चेक करना है और अभी पोर्टल पर किन किन चीज़ों में बदलाव किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो है BHU PG एडमिशन का पोर्टल है BHU.ac.in, ठीक है। इसी में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा PG रजिस्ट्रेशन, तो ये जो अप्लाई नाउ करके आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ ओके करने को आएगा, ओके कर लेना है। और ओके करते ही मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर समर्थ पोर्टल जो है ओपन होकर आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कभी कभी साइट सही से नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, रुक के करना है। तो यहाँ पर CUET का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड साथ ही कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। और जैसे ही आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो कुछ इस प्रकार का पोर्टल आपको दिख रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा पोर्टल आप लोगों का ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, ठीक है, आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, इन सारी चीज़ों को यहां पर लिखकर आएगा। इसी में जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा नीचे में आप देखेंगे कि क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन, ठीक है, यानी कि एडमिशन का प्रोसेस बढ़ना शुरू हो चुका है। आज सीट एलोकेशन होना था लेकिन अभी तक किसी को सीट एलोकेशन नहीं हुआ है, लेकिन सभी बच्चों के पोर्टल पे ये लिख के आ रहा है। जिन्होंने भी BHU में रजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी बच्चों के पोर्टल पे ऐसा लिख के आएगा, तो इसलिए इसको देखकर अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के पोर्टल पे लिख के आएगा मेरे प्यारे साथियों। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होगा, जिसमें कि कॉलेज डिपार्टमेंट लिखा होगा, प्रोग्राम का नाम लिखा होगा, एलोकेशन सीट कैटेगरी, एप्लीकेशन स्टेटस और यूज़र एक्शन, ठीक है। यूजर एक्शन में क्या होता है, फ्रीज वगैरह करने का ऑप्शन रहता है, एप्लीकेशन स्टेटस रहता है, ठीक, प्रोग्राम का नाम रहेगा, आपको कौन सा कॉलेज डिपार्टमेंट मिला है इसका नाम इधर रहेगा। लेकिन अभी लिख के आ रहा है नो सीट एलोकेटेड, ठीक है, यानी कि अभी कोई भी सीट एलोकेट नहीं किया गया है, यानी कि अभी कोई भी सीट नहीं दिया गया है। तो सभी लोगों का पोर्टल अभी तक ऐसा दिख रहा होगा। अब अगला प्रोसेस यहां से बढ़ना चालू होगा मेरे प्यारे साथियों। 12 बजे के बाद से जो है आपका रिजल्ट आना था, और जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होगा मैं आप लोगों को फटाफट अपडेट देना शुरू कर दूंगा, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। अभी सभी लोगों का पोर्टल ऐसा ही दिख रहा है, तो इसलिए आप लोग अपना पोर्टल लगातार चेक करते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पोर्टल लगातार चेक करते रहना है, क्योंकि मात्र 24 घंटे का समय जो है, यानी कि एक दिन का समय सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करने को दिया जा रहा है BHU की तरफ से, ज़्यादा समय मिल भी नहीं रहा है। तो इसलिए आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अपना पोर्टल चेक करते रहिए। जैसे ही आपके पोर्टल पर यहाँ पर कुछ लिख के आ रहा है, जैसे ही सीट एलोकेट हो रहा है, तो आप हमें इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से शेयर करिएगा, 9142719681, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करिएगा आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की सहायता करने की, कोई भी दिक्कत ना आए, अच्छे से आप लोगों का एडमिशन हो, कोई भी ज़रूरत होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।